जी अस्सलाम वालेकुम क्लास तो बेटा हम आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक ऑफ़ आर लिंक टॉपिक वो उसके बारे में हम डायलेक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे अभी उसकी थोड़ी सी uh, तफसील में हम जाएंगे दिस इज पेज नंबर वन वन फोर वन फोरटीन के रीजनल एंड सोशल डायलैक्ट्स तो द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डायलैक्ट is the regional dialect, the distinct form of a language spoken in a certain geographical area. For example, we might speak of Ozark dialects or Appalachian dialects on the grounds of that inhabitants of these regions they have certain distinct linguistic features that differentiate them from speakers of the other forms of English. Uh, मिसाल है जिनके डायलैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इंग्लिश है वी कैन ऑलसो स्पीक अपल डायलैक्ट द डिस्टिंग फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाई मेम्बर्स ऑफ अ स्पेसिफिक सोसियो इकनॉमिक क्लास एच एज दर्किंग क्लास डायलैक्ट्स इन इंग्लैंड जो हम पहले बात कर चुके हैं तो प्रेस्टिज जो डायलैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ज़रा बेहतर जानते हैं जिस हम किंगज़ इंग्लिश या कोई कोइंज इंग्लिश की बात कर रहे थे So, in the earlier history of the New York City, New England influence and New England immigration preceded the influx of Europeans. New York may pale from Europe. The prestige dialect, which is reflected in the speech of, uh, of cultivated Atlas inform informants, shows heavy borrowings from eastern New England. This has been a long-standing tendency of New Yorkers to borrow prestige dialects from other regions. क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आए बाहर से इजरत करके तो इसमें काफ़ी इसकी इंग्लिश में ऐसे uh, डायलैक्ट्स हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बोले जाते हैं राधर दैन ड प्रेस्टिज डायलैक्ट ऑफ देयर ओन इन द करंट सिचुएशन वी सी दैट न्यू हैज़ रिट्रीटेड एंड इन इट्स प्लेस न्यू प्रेस्टिज डायलैक्ट हैज़ बीन बॉड फ्राम नॉर्दर्न एंड मिड वेस्टर्न स्पीच पैटर्नस तो अभी इस दौर में उसका असर अगर कम हुआ है न्यू इंग्लैंड की न्यू इंग्लैंड की रियास्तों का तो अभी जो है उसको एक नॉर्थ और मिड वेस्टर्न जो स्पीच पैटर्न है यहाँ उधर से लोग ज़्यादा आए होंगे तो उनकी लैंग्वेज की और उनके डायलैक्ट की वजह से उनका ज़्यादा असर हो गया न्यूयॉर्क के डायलैक्ट पर वी हैव सीन दैट फॉर मोस्ट ऑफ़ आर आरफॉमेट इनफॉर्मेंट्स द एफर्ट टू इस्केप आइडेंटिफिकेसन एज अ न्यू यॉर्कर बाय वन जोन स्पीच प्रोवाइड अ मोटिवेशनल फोर्स फॉर फोनोलाजिकल शिप्स एंड चेंजेस तो ये तो अपना हमारा जो रिएक्शन होता है अपने डायलैक्ट के बारे में अच्छा अभी हम देखेंगे कि हा एवर देयर इज़ अनदर स्कीम ऑफ लैंग्वेज वराइटीज डिस्टिंग्विश्ड फ्राम वन एंड अनदर इन टर्म ऑफ देर यूज़ ऑफ रादर दैन यूजर यानी यूज़र पर नहीं अभी ये यूज़ पर आएगा यानी ये एक प्रोफेशन की जो अपनी लैंग्वेज होती है रजिस्टर इज़ वन ऑफ दम तो रजिस्टर क्या है ये हम देखते हैं ह्यूमन बींगज आर नॉट स्टैटिक के जो इंसान होते हैं दे आर मोबाइल स्टैटिक होता है जिनमें कोई हरकत ना हो दे आर थिंकिंग चॉइस एंड बिहेवियर वेरी अकॉर्डिंग टू नीड एंड एज दे देयर अबिलिटी देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द दे दिटन देअर लैंग्वेज दिस अडेप्टन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिटुएशन कॉन्टेक्सट एंड परपज फॉर्म्स द लैंग्वेज वराइटी दैर इस कॉल्ड रजिस्टर इसमें आप देखें कि हम जो किसी सिटुएशन uh, कॉन्टेक्स या परपज के लिहाज से जो एक लैंगवेज वराइटी को अडोप्ट कर लेते हैं उसको हम रजिस्टर कहते हैं तो डेवर्ड क्रिस्टल ने इसे कैसे बयान किया है अवराइटी ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इस यूज इन अ सोशल सिटुएशन तो एक सोशल सिचुएशन में जो उसकी ज़रूरत होती है उसको हम जो एक ख़ास लहजा बोला जाता है यानी एक ख़ास वरायटी इंग्लिश की बोली जाती है सभी ज़बानों पर ज़ाहिर है लेकिन हम इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको रजिस्टर कहते हैं लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल वेरीज फ्राम सिचुएशन टू सिटे एट समजन पीपल टॉक वेरी फार्मली ऑन सम अदर ओकेजन दे टॉक टेक्निकली एज़ वेल एज़ फार्मली एट समोकेजन दे बिकम इन फार्मल यट टेक्निकल एंड समाइम्स नेक्स्ट पेज पर आ जाए इनफार्मल एंड नॉन टेक्निकल फॉलोइंग द एगजाम्पल ऑफ ऑल दिज लेवल्स ऑफ फार्मेलिटीज तो ये मुख्तलिफ़ तरह के जो हम बोलते हैं फार्मल एक्सप्रेशन फार्मर इनफार्मल या जैसे भी ये देखते हैं कि वह क्या होते हैं यानी फॉर्मल है और टेक्निकल है कि वी ऑप्टेंड सम सोडियम क्लोराइड अगर टेक्निकल ना होता तो इधर सॉल्ट होता अब देखें फॉर्मल है लेकिन नॉन टेक्निकल है कि वी ऑपटेंड सम सॉल्ट तो वो जो सोडियम क्लोराइड है वो उसका टेक्निकल नेम है केमिकल इनफॉर्मल और टेक्निकल देखें वी गॉट सम सोडियम क्लोराइड तो गॉट अगर आप फॉर्मल रहेंगे तो आप टेन लगाएंगे इनफॉर्मल होंगे तो गॉट लगाएंगे अब चौथी शक्ल आगे कि इनफॉर्मल और नॉन टेक्निकल तो वी गॉट सम सॉल्ट देर आर टू अदर लेवल्स लैंग एंड बर्लगर क्वेश्चन इज दैट वाई आर पर्सन डॉप दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ फॉर्मेलिटीज माइकल हैलिडे इज इन इज लैंगज एज सोशल डिफाइन रजिस्टर एज A complex scheme of communicative behavior. He observed that this scheme of behavior has three dimensions: field, tenor, and mode. These three dimensions determine speaker choice of linguistic items. Field field implies why and about what the communication is. Ki कि, field. And simple, what is the purpose and subject matter of? communication for example a doctor's communication with other doctors will be containing more medical terminology he will be using medical jargon the patient has died the patient has expired the same doctor will communicate with, the patient, uh, with his patient in uh, as simple language as possible so the patient इज़ टैनर दैट मीन्स टू होम द कम्युनिकेशन इज़ बींग टन कि आप अपने जिसको आप जैसे आप बात कर रहे हैं मुखातब है उसको देख कर अपने जो लहजे में तब्दीली लाते हैं बकबरी में ग्रामर में उसको हम कहते हैं टैनर तो अदर एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीच बाई ट इज़ द डिफरेंस ऑफ अ पर्सन कम्युनिकेशन विद अ टीचर दैन विद अ फ्रेंड तो टीचर के साथ हम बड़े फॉर्मल होकर बो, बोलते हैं और और अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ हम बिल्कुल इनफॉर्मल होते हैं तो लास्ट है मोड मोड इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ लेटर इट्स लैंग्वेज विल बी डिफरेंट फ्राम डायरेक्ट कन्वर्सेशन इफ़ इट इज़ एन एस ए लैंग्वेज विल बी डिफरिंग फ्राम दैट ऑफ लेटर इवन दो दोन अबाउट द सेम टॉपिक तो सूरत हाल के मुताबिक हम जो अपना मोड बदल देते हैं उसको हम मोड कहते हैं रजिस्टर में रजिस्टर एज अ लैंग्वेज वरायटी डिफर्स फ्राम डायलैक्ट सो एंड ईडियोलेक्ट दीज डिफरेंस आर पहला क्या है रजिस्टर इट इज़ अ लैंग्वेज वराइटी अकॉर्डिंग टू यूज और डायलैक्ट क्या इट इज़ अ लैंग्वेज वरायटी अकॉर्डिंग टू यूजर तो इट मे बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और सिटुएशन जैसे हमें मेडिकल की एग्जाम्पल ले रहे थे तो डायलेक्ट इट मे बी रिलेटेड टू एनी रिलीजन और सोशल क्लास रीजन और सोशल क्रास रजिस्टर फिर देखें इट शोज़ वाट द यूजर ऑफ लैंग्वेज इज डूइंग वो क्या कर रहा है जो यूज़र ऑफ लैंग्वेज है इट शोज़ हु द यूजर इज डायलेक्ट बताता है कि यूज़र कौन है रजिस्टर इज़ द सेट ऑफ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक आइटम्स टू बी यूज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन Dialect is a set of particular linguistic items to be used by the people of a particular area or class. So you are broader as a register our limited. Uh, up till now, the different variations within a language were being dealt, but there are certain situations where two or more languages are used, which causes such variations that are beyond the range of one language. One of these variations is known as pidgin. There is a situation in which two or more languages are.

टीज़ वेरी डिफरेंट वाइटीज ऑफ द सेम लैंग यूज कि एक ही सोसाइटी है वहाँ पर मुख्तफ जो वराइटीज़ हैं लैंग्वेज की वो बोली जा रही हैं उसने कहागलोसिया रेलिटिवली स्टेबल लैंग्वेज सिचुएशन की एक मुस्तकम किस्म की बैलेंसड एक लैंग्वेज सिचुएशन होती है इन डिफरेंट टू द प्रायमरी डायलैक्ट ऑफ द लैंग्वेज विच मे इंक्लूड स्टैंडर्ड और रीजनल स्टैंड standard, स्टैंडर्ड्स uh, कि इसमें एक प्राइमरी डायलेक्ट तो होता है वो आपका वो चाहे स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो जैसे हमारा जो माझी बोली पंजाबी की हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है लेकिन ज़ाहिर है जो दूसरे लोग साउथ पंजाब में हैं या नॉर्थ पंजाब में हैं तो उनका वो स्टैंडर्ड डायलैक्ट नहीं है वो उनका वो रीजनल स्टैंडर्ड डायलैक्ट मान जाएगा रीजनल बनेगा ओवरऑल नहीं बनेगा तो वो उनका रीजनल डायलैक्ट होता है तो देयर इज़ वेरी हाईली कोडिफाइड यानी ग्रामेटिकली कम्प्लेक्स सुपरसीज वैरायटी तो वो ज़ाहिर है जब एक से ज़्यादा लैंग्वेज़ बोली जाएंगी ना मतलब सॉरी एक ही लैंग्वेज की ज़्यादा वराइटीज़ बोली जाएंगी तो उनमें से एक आदि को हम ज़्यादा दे देते हैं तो ये आगे एग्जांपल आ रही है जिससे ये क्लाइफर क्लैरिफाई हो जाएगा इन्फ्रग्यूशन थ्री टू डाइवर्जेंट वाइटीज़ ऑफ सेम लैंगज आर यूज आउट ऑफ विच वन इज़ हाईली कोडीफाइड कि एक में ग्रामर और ये वर्ड्स और हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है जिसका आप देखते हैं एक आम उर्दू है और एक शायरी वाली उर्दू है तो उसमें वो लफ्ज़ बड़े शकील किस्म के लाए जाते हैं जो कि आपको आ, आम लैंगवेज में नहीं मिलेंगे जनरली जब हम बोल बोल रहे होते हैं थ्रू आउट अब देखें थ्रू आउट द अरेबिक पेंसिला दे आर आर टू वराइटीज़ ऑफ अरेबिक लैंग्वेज इन यूज़ क्लासिकल अरेबिक एंड वर्नैकुलर वर्नैकुलर बेटा होती है आपकी जो लोकल लैंग्वेज आप बोल रहे होते हैं लोकल जो वराइटी होती है लोकल डायलैक्ट होता है तो दो तरह की अरबी है एक है क्लासिकल अरेबल जिस अरेबिक है जिसमें कुरान पाक लिखा गया है और दूसरी वो है जो कि आम तौर पर लोग कबीलों में रहने वाले बोलते हैं तो क्लासिकल अरेबिक विच इज़ बेस्ड ऑन द कुरानिक हाईली कोडिफाइड एंड कम्प्लेक्स एंड हैजेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिंस द होली कुरान इज रिड दिस लैंग्वेज इज लिंग पेंसबला यानी कुरान वाली जो क्लासिकल अरेबिक जिसे कहते हैं उसे पूरी सऊदी अरब में और दूसरे अरब ममालिक में भी समझा जाता है एंड आल्सो लैंग्वेज मीडिया जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर के साथ और उसके सारे जो भी उसकी नजाकतें होती हैं उसके साथ वैसे ही ये कुरानिक अरेबिक या जिसे क्लासिकल अरेबिक कहा जाता है उसको सिखाया जाता है एवरी वन हैज़ टू लर्न दिस वराइटी स्पेशली एंड नॉट एक्वायर्ड बाई बींग बॉर्न इन राइट काइंड ऑफ फैमिली एवरीवेयर इन द सोसाइटी वर्नैकुलर आर यूज फॉर डेली रूटीन पर्पज़ तो उन जगहों पर लोग अपनी वर्नैकुलर यानी कि अपनी जो लोकल डायलैक्ट होता है अरबी का वो बोल रहे होते हैं क्योंकि हर कबीले का दूसरे कबीले के साथ थोड़ा सा डिफरेंस होता है जैसे आप देखते हैं लैंग्वेज में जैसे आप देखते हैं कि आ, वो वाली जो अरब रियासतों में बोली जाती है अरबी वो डिफरेंट है जो कि मिस्र में बोली जाती है दोनों ही अरबी ज़ुबान है तो जहाँ पर डिग्लोसिक सोसाइटी हो तो वहाँ पर आम तौर तो पर लोग अपनी लोकल बोली जिसे हम वर्नैकुलर या लोकल डायलक्ट कहते हैं वो बोलते हैं लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड डायलैक्ट है वो क्लासिकल अरेबिक है तो इट इज ऑब्वियस फ्राम फर्ग्यूसन डेफिनेशन दैट ओनली दैट सोसाइटी वॉज कंसिडर डिगलोसियल टू वराइटीज़ वन हाई एंड अनदर लो ऑफ द सेम लैंगटी लैंग्वेज आर यूज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सटेंशनोस्ट सोसाइटीज़ बिकम डिगलॉसिक इन उसने तो सिर्फ एक जुबान के दो लहजे किया कहा था फर्ग्यूसन में बाद में ये फ़िश मैन ने कहा कि एक से ज़्यादा बोलियाँ अगर बोली जाएंगी तो फिर वो डिगलॉसिक सोसाइटी होगी डाइगलॉसिक सोसाइटी जैसे कि हम आगे एग्जांपल आ रही है उसको हम देख सकते हैं जैसे हम हैं तो हम इंग्लिश भी बोलते हैं सीखते हैं उर्दू भी है और पंजाबी भी है तो वो हम डाइगलॉसिक है या मल्टी भी इसे कहते हैं सोसाइटी जिसमें दो से ज़्यादा बोलियाँ बोली या समझी जाती हैं फॉर यूसन ऑल्सो प्रपोज दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉग टेंडेंसी टू गिव सम लैंग्वेज हायर स्टेटस एंड प्रेस्टिज एंड रिजर्व इट फॉर स्पेसिफिक ओकेजन एंड According to this notion, Pakistani society is strongly a diglossic, uh, diglossic society, where there are not uh, two but uh, three languages existing uh, with the different status. In Punjab, for example, Mjabi is used at personal level, Urdu is used on social level, and English is reserved for high formal occasions. So, the existence of different languages in our society provides them to merge into ई चदर यह कि एक दूसरे के साथ घुल मिल सकें एंड समाज इज गर्ल्स इन टू न्यू मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड पिजन तो मुख्तलि ज़ुबानों के मिलने से जो अगली सूरत हाल बन जाती है वो एक नई जो लैंग्वेज डिवेल्प होना शुरू हो जाती उसे है जिसे पिजन कहते हैं अभी हम उसको ही बिना स्टडी करेंगे दिस इज पेज नंबर वन नाइनटीन एंड एंड इट इज़ एट द एंड ऑफ इट जी तो पिजन इज एन ओ और मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेज विच कैन नाट बी सेट अ डाइवर्जेंट वराइटी ऑफ लैंग्वेज बट ऑफ टू और मोर लैंग्वेज यानी कि एक ही लैंग्वेज की वराइटीज़ ना हो मुख्तिस ज़ुबानों के मिलने से दो मुख्तलिफ़ानों के मिलने से जो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है तो दो मुख्त ज़ुबान हैं उनके मिलने से जो मिक्सचर बनता उसको पिजन है उसको भिजन कहते हैं सादा अल्फाज में हियर लैंग्वेज मिक्सअप ऑर्डली देट फॉर्म मॉर्फीम टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एवरी थिंग रोड्यूस एंड मिंगसट्रेंचली डेवर्ड क्रिस्टल डिफाइन पिजन एज अ लैंग्वेज विद द मार्क ट्यूस्ड ग्रामेटिकल Gram क्योंकि ये पूरी तरह एक डिवेल्प लैंग्वेज तो नहीं होती यानी इब्ती शक्ल होती है यानी कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ अ न्यू लैंग्वेज तो उनकी रिड्यूस्ड यानी कि बहुत थोड़ी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वोकैबुलरी भी थोड़ी होती है स्टाइलिस्टिक रेंज भी थोड़ी होती है कंपेयर्ड विद अदर लैंग्वेज क्योंकि बहुत मुकम्मल लैंग्वेज है ये लैंग्वेज की इब्तदाई शक्ल होती है इसको हम पिजन कहते हैं तो विद मार्कली रोड्यूस्ड किन अमेडिकल स्ट्रक्चर लैक्सिकोन एंड स्टाइलिस्टिक रेंज कम्पेयरड विद अदर लैंग्वेजेज़ एंड विच इज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ नन एंड आर फाउंड बाई टू म्यूचुअली इंटर अन इंटेलिजबल स्पीच कम्युनिटी इज अटैम्पटिंग टू कम्यूनिकेट दोस्ति सोसाइटियाँ मिसाल ले लें कि हम पंजाबी बोलते हैं अंग्रेज आ गए जैसे पहले आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी तो उनके दोनों सोसाइटीज़ के मिलने की वजह से दोनों लैंग्वेजेस के मिलने की वजह से एक बिल्कुल शुरुआती एक जो किस्म होती है ज़ुबान की वो पैदा होती है जिसकी विकबलरी स्ट्रक्चर सब बड़े लिमिटेड होते हैं तो उसको हम पिजन कहते हैं ये उसकी डेफिनेशन है आगे पेज 120 पे आ जाएँ इसकी मज़ीद हम तफसीलात को देख लेते हैं कि रिकवरी ऑफ ए पिजन कम्स मेनली फ्रॉम वन पार्टिकुलर लैंग्वेज कॉल द लैक्सीफायर एक जुबान से ज़्यादा उसकी रिकवरी उस नए बनने वाले ज़ुबान की जो अभी इब्तदाई शक्ल में छोटी है उसको लैक्सीफायर कहते हैं यानी जिस लैंग्वेज से हम ज्यादा विकवरी ले रहे होते हैं एंड अर्ली प्री पिजन इज क्वाइट रिस्ट्रिक्ट एंड वेरिएबल इन स्ट्रक्चर बट द लेटेस्ट स्टेबल पिजन डिवेल्प्स इट सोन ग्रैम रूल्स विच आर क्वाइट डिफरेंट यानी वक्त गुजरने के साथ मच्य हो जाता है ना उसके अपने ग्रामेटिकल रूल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्राम दोज ऑफ लैक्सीफायर दीज नेम्स ऑफ रिफ्लेक्ट हाउ द रिकबरी मर्जिस यानी जिस लैंग्वेज से ज़्यादा आएगा ना वो पहले आ जाएगा जैसे इंग्लिश है तो आ, मतलब चाइनीज इंग्लिश और इंग्लिश चाइनीज हवर इट बिकम्स मोर कम्पलेक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम तो फिर ज़ाहर है वो लोग अगर चाइना में आए हैं तो फिर चाइना की रिकबड़ी ज़्यादा होगी चाइनीज रिकबड़ी उसमें तो अगर चाइनीज़ इंग्लैंड गए हैं तो फिर वो जो पिजन होगा उसमें इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो सिंस पिजन मर्जेज़ आउट ऑफ प्रैक्टिकल नीड ऑफ़ कम्युनिकेशन यानी कि प्रैक्टिकल नीड क्या है कि कुछ लोग तजारत करने गए चले हैं तो वहाँ की बोली और है तो वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए कि दोनों की जो लैंग्वेज हैं वो डिफरेंट हैं वो जो कर लेते हैं कम्युनिकेशन उसको पिजन कहते हैं कि वो गुजारे लायक हो जाती है उन्हें तो सिंस बिथिन मज इज़ आवर ऑफ़ पर्टिकुलर नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज़ हैविंग नो ग्रेटर लैंग्वेज टू इंट्रैक्ट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट लैंग्वेज ऐसे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी किया जाता है कि उसको इसलिए नहीं बनाया जाता किसी और मकसद के लिए किसी हमने नई लैंग्वेज को बनाना है बल्कि ये ज़रूरत के तहत बनती है कि दो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं उनका आपस में इंट्रैक्शन हुआ हुआ तो उन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी तो वो एक आपस में रास्ते के लिए जो लैंग्वेज मिक्सचर यूज़ करते हैं दोनों लैंग्वेज़ का और अभी हमने पढ़ा कि लैक्सीफायर वो होता है वो लैंग्वेज से ज़्यादा मुकाबली ले रहे होते हैं तो उसे हम पिजन कहते हैं तो बोर्ड में देखें कि पिजन इज़ अ अवराइटी स्पेशली क्रिएटेड फॉर द परपज़ ऑफ कम्युनिकेशन विद सेम सम अदर ग्रुप एंड नॉट यूज बाई एनी कम्युनिटी फॉर कम्युनिकेशन मंग दम सेल्फ बाकायदा जो लैंग्वेज होती ही नहीं है सो लिंगवा फ्रेंका क्या है लिंगवा फ्रेंका इज़ एनी इंटर लैंग्वेज यूज़ बियॉन्ड इट्स नेटिव स्पीकर फॉर द सेक ऑफ कम्यूनिकेशन बिटवीन द स्पीच कम्यूनिटीज़ हैंग डिफरेंट लैंग्वेज लैंगवेज़ तो देखें हमारे आ, इसकी मिसाल आप पहले ले लें फिर आपको आसानी से समझ आ जा जाएगी हमारे मुल्क में कई ज़बानें बोली जाती हैं जैसे उर्दू है पंजाबी है इंग्लिश भी है फिर बलोची है पशतो है सिंधी है और कई रीजनल लैंगवेज़ हैं लेकिन उर्दू पूरे पाकिस्तान में समझी और बोली जाती हैं तो ये उर्दू हमारी लिंगुआ फ्रेंका है कि जिसमें मुख्तु ज़ुबानों बोलने वाले लोग एक दूसरे से कम्यूनिकेट कर सकते हैं इंडिया में इंग्लिश है और यूरोप में ये फ्रेंच है तो डेविड क्रिस्टल डिफाइंड इट एज एन एनज एन ऑगजरी लैंग्वेज यूज टू इनेबल रूटीन कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस जिन लोगों की मुख्त मादरी जबान होती जैसे कोई सिंधी किसी पठान से बात करेगा या कोई पंजाबी किसी बलोची से बात करेगा तो उर्दू में इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे इस ज़ुबान को जान लेते हैं हालांकि ये उनकी मदर लैंग्वेज नहीं है तो इट वॉज ड्राइवड फ्राम सॉरी टर्म लिंग फ्रेंका इज एन ओल्ड वन एंड इट इज ओरिजिन इज इन इटालियन मीन्ज फ्रेंकिश लैंग्वेज इट वॉज ड्राइव फ्राम द मिलवियल अरेबिक Uh, Arab-Muslim use of Franks means ancient Germanic people The Muslim used it as a generic uh, term for Europeans during the period of the Crusades Formerly the term referred to an old pigeon mixture of Italian, uh, Turkish, Arabic, Persian, Greek and French So the pigeon was widely used in the Mediterranean area from the 14th century and early or earlier and still in use in the 20th century this language served a diplomatic and trade language however now this term refers to any language that serves to communicate between different larger speech communities so there are many languages which have served as lingua franca during the course of history for instance during the domination of roman empire lingua franca was latin in the east and greek in the west with the rise of Arab Muslims Arabic became lingua franca in the east from South Asia to uh, north Africa and even western part of South Europe Persia also have enjoyed this status around 15th century till 19th century in the Indian subcontinent and Central Asia until the late 19th and early 20th centuries classical Chinese served as a both lingua franca and diplomatic language for फार ईस्ट एशिया एंड यूज बाय चाइना कोरिया जापान एंड वेतनाम इन इंटर स्टेट कम्युनिकेशन आपस में रबते के लिए ये बोली चाइनीज़ ही बोली जाती थी इन यूरोप फ्राम एटीन सेंचुरी टेड वर्ल्ड वॉर टू फ्रेंच वर्क टेस्ट लिंगुआ फ्रेंका इंटर लिंगुआ फ्रेंका अमंग यूरोपियन नेशन नाव इंग्लिश हैज़ अकोपाइड द प्लेस जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंच काफ़ी अर्से तक रही है और अभी भी वो बोली जाती है यूरोप के दूसरे हिस्सों में फ़्रांस के लाभ अभी तो अभी तो हम देखते हैं कि इंग्लिश को ही यूज़ किया जाता है तो कंक्लूजन क्या है कि वी हैव स्टडी डिफरेंट वराइटीज ऑफ लैंग्वेज एंड हैव कम्पेयर दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट वी हैव ऑब्जर्व दैर लैंग्वेज वेरीज फ्राम लार्जर कम्युनिटीज डाउन टू एन इंडिविजुअल इवन लैंग्वेज ऑफ एन इंडिविजुअल वेरीज फ्राम ओकेजन टू ओकेजन वी फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटीज़ विद इन द लैंगेज एंड दे आर यूज डिपेंड ऑन स्पीकरस पर्पज मोड एंड ऑडियंस Moreover, it is also varies due to socioeconomic position of individual or group. The, uh, the variation of language with social difference makes this notion more clear that language is a social phenomenon and in, inextricably, inextricably tied with social and cultural traditions. So, this is it, uh, beta. We will start uh, bilingualism, which is on page number 1, 2, 3, in the next lecture. Till then, it's all